प्रश्न है 16 माइनस 6 एक्स की पावर 6 प्लस 2 एक्स16 माइनस 6 एक्स की पावर 6 प्लस 2 एक्स की पावर 3 y की पावर 3 माइनस 6 पर y पर पावर 6। इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी कि फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा ते हैं सोलह माइनस एक्स की पावर सिक्स प्लस 2 y की पावर q माइनस 6 की पावर y की पावर 6। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या है डिफरेंस, यानी कि इसमें हो जाएगा एक सर्वसमीकरण बनती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक मिनट। अब हम एक सर्वसमीकरण लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a माइनस वी का होल स्क्वायर। अब इस तरफ समीकरण से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या बचेगा, 16 माइनस, अब इधर से हम अंदर से लेंगे इसको तो एक्स की पावर 6 चिन्ह बदल जाएगा माइनस 2 एक्स की पावर क्यू y की पावर q और यहाँ भी चिन्ह बदल जाएगा y की पावर 6। अब हम इसको लिख लेंगे उसकी तरह से, तो 16 माइनस एक्स क्यू माइनस बाई क्यू। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम एक दूसरी सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे, तो दूसरी सर्वसमीकरण कैसे आएगी, यह आएगी ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर बराबर ए प्लस वी इंटू ए माइनस वी। अब इस सर्वसमिका को हम यहाँ पे लेते हैं, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस फोर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा, सॉरी एक नहीं होगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम इस सवाल का वो गुणनखंड निकाल लेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।